हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस, विच इज़ रोट बाय ऑस्कर वाइल्ड, अ फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। बिफोर स्टार्ट आई विल टेल यू समथिंग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया है और उसके मीनिंग्स भी मैंने हिंदी में साथ ही लिखे हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड। ही हैड सफायर फॉर आईज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। हैप्पी प्रिंस का बहुत सुंदर एक स्टैच्यू बना हुआ था, जो कि गोल्ड का बना हुआ था, और उसकी जो आँखें थी उसमें सफायर्स लगे हुए थे, ब्लू कलर के प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे, और उसकी जो स्वॉर्ड थी उसमें एक रेड कलर का डायमंड यानी कि रूबी लगी हुई थी। Why did he want to part with all the gold and the precious stone that he had? जो उसके पास इतना precious stone था, इतना gold था, उससे वो अलग क्यों होना चाह रहा था, जो happy prince का statue था। तो friends, writer ने हमसे ये question put किया है, तो हमें इसका answer भी story में ही मिलेगा। High above the city, on a tall column stood the statue of the happy prince. City के बिल्कुल ऊपर वाले स्थान पे एक बहुत ही लंबा स्तंभ लगा हुआ था, पिलर लगा हुआ था, किसका? हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का। ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लेयर्स ऑफ फाइन गोल्ड। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। जो उसका स्टैचू था वो गोल्ड के थिन लीव्स के साथ कवर्ड था, ढका हुआ था, उसकी आंखों में दो ब्राइट कलर के सफायर्स लगे हुए थे, और उसकी जो स्वॉर्ड की हिल्ट थी, हिल्ट क्या होता है, जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ते हैं यानी कि हैंडल होता है स्वॉर्ड का, उसमें एक रेड कलर की रूबी लगी थी जो बहुत ही चमक रही थी, ग्लो कर रही थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात क्या होता है, उस सिटी के ऊपर से स्वेलो उड़ रहा होता है। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। जो स्वेलो के फ्रेंड्स होते हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं। But he had stayed behind. But वो क्या होता है, पीछे रह जाता है। Then he decided to go to Egypt too. फिर वो बाद में डिसाइड करता है कि उसे भी इजिप्ट अब चला जाना चाहिए। All day long he flew and at night time he arrived at the city. सारा दिन वो उड़ता रहता है और रात को वो एक सिटी पे जाकर पहुंचता है। Where shall I put up? अब मैं कहाँ ठहरूंगा, he said, अपने आप से कह रहा है। I hope the town has made preparation. अब वो अपने आप से बातें कर रहा है कि मैं कहाँ रुकूंगा, मुझे उम्मीद है कि जो टाउन ने मेरे आने की, जो ठहरने की सारी तैयारी कर ली होगी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर वो क्या देखता है, एक स्टैचू देखता है जो एक लंबे से पिलर पे खड़ा होता है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राई, वो चिल्लाता है, मैं यहीं पे रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वह क्या करता है कि वो जो प्रिंस के फीट होते हैं वहाँ पे बीचों बीच उतर जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। वो अपने आप को, खुद को कह रहा है, बहुत ही सॉफ्टली कह रहा है कि मुझे गोल्डन बेडरूम मिल गया है, और चारों तरफ देख रहा होता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, वो सोने की तैयारी कर रहा होता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैंड अंडर हिज विंग, अ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही वो अपना हेड अपने विंग्स के नीचे रख रहा होता है, एक पानी की बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। वट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वो चिल्लाता है, कितनी अजीब बात है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड येट इट इज रेनिंग। वो कह रहा है खुद को कि स्काई में कोई एक बादल नहीं है, बिल्कुल जो तारे हैं साफ हैं, चमक रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरती है। वट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। वो खुद को बातें कर रहा है कि ये क्या फ़ायदा है ऐसे स्टैचू का कि जो बारिश ही ना रोक पाए। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। वो कह रहा है कि मुझे अब एक अच्छा सा कोई चिमनी पॉट देखना पड़ेगा, और वो डिटरमाइंड करता है कि मुझे यहाँ से अब चला जाना चाहिए और एक चिमनी पॉट पे ठहरना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, बट जब भी वो जाने लग रहा होता है, अ थर्ड ड्रॉप फेल, उसके ऊपर एक तीसरी बूंद अब आकर गिर रही होती है। एंड ही लुक्ड अप, और अब वो ऊपर देखता है, एंड सा व्हाट डिड ही सी, तो वो ऊपर क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स।
एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। जो हैप्पी प्रिंस होता है उसकी जो आंखें हैं आंसू से भरी होती हैं और जो आंसू हैं वो उसकी जो सुनहरे गाल होते हैं वहाँ से गिर रहे होते हैं। ही वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। जो उसका फेस होता है हैप्पी प्रिंस का मून लाइट में बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा होता है, उसे देख कर स्वेलो को उस पर दया आ जाती है। हु आर यू ही सेड, स्वेलो उससे पूछता हैप्पी प्रिंस से तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, स्टैचू आगे से कह रहा है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, स्वेलो कह रहा है तुम फिर आप रो क्यों रहे हो। आस्ते स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है। वेन आई वॉज अ लाइव एंड अ ह्यूमन हर्ट, आंसर द स्टैचू। अब वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो कह रहा है कि जब मैं जिंदा था मेरे पास एक ह्यूमन का हर्ट था। आई डू नॉट वर टीयर्स वर फॉर आई लिव इन द पैलेस वेयर सोरोस इज नॉट अलाउड टू एंटर। अब क्या हो रहा है, जो हैप्पी प्रिंस है और स्वेलो में आपस में बातचीत हो रही है, तो जो स्वेलो उससे कह रहा है कि आप रो क्यों रहे हो, आपने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है। तो हैप्पी प्रिंस आगे से क्या कह रहा है, जब मैं जिंदा था तो मेरा ह्यूमन का एक हर्ट था और मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। मैं वहाँ पे एक महल में रहा करता था और मुझे ये भी नहीं पता था दुख क्या होता है। हमारे महल में तो दुख की एंट्री भी नहीं थी। माय कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वाज। मेरे जो दरबारी थे कोर्टियर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे और वाकई में मैं हैप्पी था भी, क्योंकि मुझे दुख के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खुशी खुशी मरा था और खुशी खुशी जीवित भी रहा था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कांट सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मेरा एक स्टैचू इतनी ऊपर यहाँ आकर स्थापित कर दिया कि मैं जो सिटी के बीचों बीच, ताकि मैं जो भी सिटी की जो भी अगलीनेस है, जो भी मतलब क्रूरता है, जो भी कष्ट है लोगों के, वो यहाँ से खड़ा होकर देख सकूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कॉन्ट चूज बट वीप। तो फिर हालांकि जो मेरा हर्ट है वो लेड का बना हुआ है, तो मैं इससे अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता रोने के अलावा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं और करूं क्या, क्योंकि मेरा जो हर्ट है वो लेड का बना हुआ है। आई कॉन्ट चूज बट वीप, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है रोने के अलावा। बट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। वो अब स्वेलो अपने आप से बातें कर रहा है कि ये क्या गोल्ड का नहीं बना है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है कि वो उससे कोई पर्सनल अपनी कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं कहता। फार अवे कॉन्टिन्यू द स्टैच्यू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। बहुत दूर वो जो स्टैच्यू है वो अपनी बात को जारी रखता है, उसकी आवाज़ धीमी होती है बट सुरीली होती है। फार अवे इन अ लिटल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वूमेन सिटिंग एट अ टेबल। जो स्टैच्यू है वो स्वेलो से कह रहा है कि यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है जिसके घर की एक विंडो ओपन है और उस विंडो के जरिए मैं देख सकता हूँ कि एक लेडी टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ अ कोर्स एंड रेड हैंडेड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज स्ट्रीमलेस। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को बता रहा है कि उसका जो फेस है बहुत ज़्यादा घिसा हुआ पतला फेस है और उसके जो हाथ हैं सुई की जुबन की वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स यानी कि मोटे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टीम स्ट्रेस है, मतलब एक कपड़े सीने वाली स्त्री है। शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। वो जो स्त्री है वो एक सेटन के गाउन पर कढ़ाई कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो उनकी जो क्वीन है, उनकी क्वीन की जो सबसे ज़्यादा जो खास मेड्स हैं, उन मेड्स में से एक मेड है जो बहुत सुंदर है, उसके लिए वो एक गाउन तैयार कर रही है जो उसको कोर्ट बॉल में पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटल बॉय इज लाइंग इल। कमरे के बिल्कुल कॉर्नर पे जो उसका बच्चा है वो बहुत बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। वो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है उसको और वो अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए।
His mother has nothing to give him but river water, so he's crying. उसकी माँ का उसको देने के उसके पास कुछ नहीं होता उसको देने को, उसके पास सिर्फ नदी का पानी होता देने के लिए, इसीलिए वो बच्चा रोने लगता है. Swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out my sword hilt? अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को कह रहा है कि क्या तुम मेरी जो स्वॉर्ड की हिल्ट है उसमें से रूबी निकाल कर उस बच्चे को नहीं दे सकते. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. जो मेरे पैर हैं इस पेडेस्टल से जकड़े हुए हैं और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता. I am waited for in Egypt, said the swallow. Swallow आगे से आंसर देता है कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है. My friends are flying up and down the Nile. जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नाइल के ऊपर नीचे फ्लाई कर रहे हैं. And taking to the lotus flower. Soon they will go to sleep. और जो मेरे फ्रेंड्स हैं लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं नाइल के, और वो जल्दी सोने चले जाएंगे. तो गाइस, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. नाइल सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में पड़ती है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो आगे देखिए. द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. जो प्रिंस है वो स्वेलो से कहता है कि वो एक रात मेरे साथ रुक जाए और मेरा मैसेंजर बन जाए. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड. जो प्रिंस है वो कहता है कि जो बच्चा है जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो. स्वेलो आगे से आंसर देता है, मुझे नहीं लगता मैं बॉयज़ को लाइक करता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटल स्वेलो वाज सॉरी. पर जो हैप्पी प्रिंस होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा होता है तो लिटल स्वेलो को उस पर दया आ जाती है. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड, वो कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. बट ही अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. बट वो क्या होता है, मतलब मान जाता है कि एक रात रुक जाएगा और उसका मैसेंजर भी बन जाएगा हैप्पी प्रिंस का. थैंक यू लिटल स्वेलो, प्रिंस उनको थैंक यू कहता है. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूपी फ्रॉम द प्रिंस वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बेक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन. जो स्वेलो होता है उनकी रूबी निकाल लेता है स्वॉर्ड से प्रिंस की और उसको अपनी चोंच पे लेके अब जो छतें होती है टाउन की उसके ऊपर से उड़ जाता है. तो स्वेलो क्या होता है, वहाँ से रूबी लेके चला जाता है. तो फिर आगे क्या होता है, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर्स वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. तो जो स्वेलो होता है वो कैथेड्रल टावर के ऊपर से गुजरता है, यानी कि गिरजाघर के ऊपर से गुजरता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो वाइट कलर के जो एंजल्स होते हैं वो तराशे जा चुके थे. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग. वो पैलेस के ऊपर से गुजरता है जहाँ पे उसको डांस की आवाज़ सुनाई देती है. अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर. एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आती है. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड. वो अपने लवर को कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है स्टेट बॉल की वो टाइम पर रेडी हो जाएगी. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट बट द स्टीमरस आर सो लेजी. वो कह रही अपने लवर को कि मैंने अपने गाउन पे जो फ्लावर्स की जो कढ़ाई करने का ऑर्डर दिया है बट जो स्टीमरस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेजी होती हैं. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप. जो स्वेलो होता है वो नदी के ऊपर से गुजरता और देखता है कि जो जहाज़ों के जो शिप्स के मास्ट होते हैं वहाँ पे लालटेन लटक रहे होते हैं. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस. लास्ट में वो क्या होता है, आखिरकार वो पुअर हाउस में पहुँच ही जाता है और अंदर देखता है. द बॉय वॉज डोजिंग फीवरशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन असलीप, शी वॉज सो टायर्ड. जो लड़का होता है उसे बहुत ज़्यादा तेज बुखार चढ़ा होता है, वो बेड पर लेटा हुआ होता है और जो मदर होती है वो थकान की वजह से सो चुकी होती है. इन्हें हुप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वूमेन्स थिम्बल. वो उछल कर अंदर जाता है खिड़की से और जो रूबी होती है वो उसकी जो वूमेन का थिम्बल होता है उसके बगल में रख देता है. तो थिम्बल क्या होता है, जब भी जो स्टिचिंग करते हैं वो
यूज़ करते हैं इसको, जब भी कोई सीते हैं तो सुई चुभ ना चुभे इसके लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। तो स्वेलो क्या करता है, धीरे से बेड के चारों तरफ राउंड करता है, चक्कर लगाता है और जो बॉयज के जो माथा है उसको हवा देता है अपने विंग्स से, अपने पंखों से उसको हवा देता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बॉय कहता है मुझे अब कितना ठंडा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे अब अच्छा लग रहा है। एंड ही सैंग इन टू डिलीशियस स्लंबर, और मीठी नींद पे डूब जाता है, यानी कि वो नींद सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर क्या होता है, स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और उसको बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म एंड नाउ ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड। वो कहता है कितना अजीब है, पहले मुझे ठंड लग रही थी, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है, हालांकि अब भी क्या है, ठंड है। तो आगे क्या होता है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस कह रहा है कि तुम्हें गर्मी इसीलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फील अस्लीप, और जो लिटल स्वेलो वो कुछ सोचने लगता है और फिर सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपिंग, जब भी वो सोचता है तो उसको नींद आने लग जाती है स्वेलो को। वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब जो मून है, जो चंद्रमा, जब वो उदय हुआ तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, अब वो कह रहा है, हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि तुम्हें इजिप्ट में कोई काम है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, वो कह रहा है अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है विल यू स्टे विद मी वन नाइट लोंगर, आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, आंसर स्वेलो। अब प्रिंस उससे कह रहा है कि क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुक सकते हो, पर आगे से स्वेलो का कहता है कि मेरा इजिप्ट में मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। लेट्स रीड फर्दर। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city, I see a young man in a garret. जो प्रिंस है वो स्वेलो को कह रहा है कि सिटी के बहुत दूर उस पार मैंने एक यंग मैन को देखा है गैरेट में। गैरेट क्या होता है, जो घर की छत होती है उस पर एक छोटा सा अंधेरे वाला कमरा, यानी कि स्मॉल डार्क रूम। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड हेयर इज़ अ बंच ऑफ वाइदर्ड वॉयलेट्स। उसका जो सिर है जो झुका हुआ है, किसके ऊपर झुका हुआ है, जो डेस्क है उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर उसका सिर झुका पड़ा है। एंड उसके पास साइड पे एक गिलास पड़ा है, उस गिलास में क्या है, गुलदस्ता पड़ा है, मुरझाए हुए जो वॉयलेट्स हैं उसका वो गुलदस्ता उस गिलास में पड़ा है, जैसे कि आप पिक्चर फर्स्ट में देख सकते हो। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, उसके जो बाल हैं बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्प हैं और उसके जो लिप्स हैं बिल्कुल अनार की तरह रेड हैं। And he has a large and dreamy eyes. उसकी जो आँखें बड़ी बड़ी हैं और dreamy eyes हैं। He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. वो कोशिश कर रहा है कि जो थिएटर का डायरेक्टर का जो प्ले है वो ख़त्म करे, बट इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो उससे वो फिनिश नहीं हो पा रहा है। देर इज़ नो फायर इन द गैरेट, उसकी जो गैरेट है यानी कि उसकी जो अंगीठी है उसमें आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेट, और भूख ने उसको बेहोश कर दिया है। गैरेट जो कि आप पिक्चर सेकंड में देख सकते हो, ये क्या होती है, अंगीठी की जाली। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो, अब स्वेलो कह रहा है कि मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊँगा। हु रियली हैड अ गुड हर्ट, जिससे हमें पता लगता है कि वो उसका जो दिल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई ही आस्क इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो से कह रहा है कि वो अगर उसको एक रूबी दे आए, इसको यंग प्ले राइट को। तो फिर आगे क्या होता है, अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है। माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास तो सिर्फ आंखें रह गई हैं जो मेरे पास है। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर, जो कि जो मेरी आंखें हैं ये तो दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं।
विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो कि इंडिया के बाहर से लाई गई थी, बहुत साल पहले लाई गई थी। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट द पेयर आउट। फिर भी वो क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है इसको कि इसमें से एक तुम आँख निकाल लो और किसको दे दो, प्लेराइट को दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। आगे हैप्पी प्रिंस कहता है कि जो प्ले राइट है उसको वो जो सफायर है दे आओ और उसको बेच देगा ज्वेलर को, और वो अपने लिए फायरवुड खरीद लाएगा और उससे उसका जो प्ले है वो ख़त्म हो जाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट। जो स्वेलो है वो प्रिंस से कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो प्रिंस स्वेलो से कह रहा है कि जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट गैरेट। तो स्वेलो क्या करता है, प्रिंस की एक आईज को मतलब सफायर को उखाड़ लेता है और वो लेके उसको सफायर को लेके स्टूडेंट के गैरेट पर चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। उसके लिए अंदर जाना आसान होता है क्योंकि जो छत है उस पर एक होल होता है, जैसे कि आप पिक्चर पर देख सकते हैं। थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। वो उस होल से जरिए अंदर चला जाता है, कहाँ पे, रूम के अंदर चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर द बर्ड्स विंग्स एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर्स लाइनिंग ऑन द वाइदर वॉयलेट्स। जो यंग मैन होते हैं, जो उसका सर होता है, उसका सिर अपने हाथों में बंधा हुआ होता है, छुपाया होता है, उसने अपना सिर अपने हाथों में छुपाया होता है, जिसके कारण उसको जो विंग्स की फ्लटर आवाज़ है, जो फड़फड़ाहट की आवाज़ है, उसे सुनाई नहीं देती है। पर जब वो उठता है तो उसे क्या दिखता है, एक ब्यूटीफुल सफायर जो कि उसके जो गुलदस्ते हैं वहाँ पे पड़ा होता है। आई एम गोइंग टू बी अप्रिशिएट, वो कह रहा है कि मेरी सराहना होने लग गई है। ही क्राइड, वो चिल्लाता है, मतलब वो खुशी से चिल्लाता है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये मेरे जरूर ही एक अच्छे प्रशंसक की तरफ से होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन ऑन द हार्बर, अगले दिन स्वेलो बंदरगाह जाता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। तो वो शिप के जो मास्ट होते हैं वहाँ पे बैठता है और जो सेलर्स होते हैं, जो शिप पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उन्हें काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट nobody minded and when the moon rose he flew back to the happy prince. पर किसी को कोई ध्यान नहीं देता है स्वेलो पर, सभी अपने काम पे लगे होते हैं, और तो जब मून रोज होता है, उदय होता है, तो वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो चिल्लाता है कि मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। प्रिंस को कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। प्रिंस स्वेलो को कहता है, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि ये जो सीज़न है इसे विंटर का सीज़न है। एंड द स्नो विल बी सून हेयर, और जल्दी यहाँ पर स्नो पड़ने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। वो क्या कह रहा है स्वेलो, प्रिंस को क्या कहता है कि इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहाँ पे, पाम ट्री, जो खजूर के पेड़ होते हैं वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, और जो क्रोकोडाइल है वो मड में जो लेटे हुए होते हैं और अपना जो आलस्य जो फैलाते रहते हैं और उधर उधर देखते रहते हैं। इन द स्केयर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटल मैच गर्ल। हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि नीचे चुराहे पर एक छोटी बच्ची खड़ी है जो माचिस से बेचती है। शी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉयल्ड। जो उसके मैचिस हैं यानी कि जो माचिस हैं वो गटर में गिर चुकी हैं और सारी ख़राब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। वो रो रही है क्योंकि अगर वो घर पे मनी ना लेके गई तो उसके फादर
उसकी पटाई करेंगे। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटल हेड इज़ बेयर। उसके पास ना तो शूज़ हैं ना ही उसके पास स्टॉकिंग्स हैं और उसका जो हेड है वो भी बेयर है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो। हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कह रहा है कि तुम मेरी दूसरी आँख को भी निकाल लो और ये जो सफ़ायर है उस लड़की को दे दो, और ताकि उस जो उसके पिता है जो उसके फादर उसको नई पिटाई करेंगे। तो स्वेलो आगे से कह रहा है कि मैं एक रात और आपके साथ रुक जाऊंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, बट मैं आपकी जो आई है वो नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अगर मैंने आपकी दूसरी आँख भी निकाल ली तो आप पूरी तरह से अंधे हो जाओगे, यानी कि ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर प्रिंस स्वेलो को कहता है कि जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम वैसे करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो फिर स्वेलो क्या करता है, प्रिंस की दूसरी आँख को भी निकाल लेता है और सीधी नीचे की ओर जाता है। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। वो जो माचिस बेचने वाली लड़की है उसकी वहाँ से पास करता और झपटे से उसके जो हाथ में वो जो ज्वेल है वो सिरका देता है। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग। जो लड़की है वो चिल्लाती है जोर से, कहती कितना अच्छा कांच का टुकड़ा है, और वह हंसते हंसते घर चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस। फिर जो स्वेलो है वो प्रिंस के पास वापस आ जाता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड। वो स्वेलो प्रिंस से कहता कि अब आप पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो मैं आपके साथ हमेशा यहीं रहूँगा। नो लिटल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस। अब जो वो प्रिंस होता है पुअर हो चुका होता पूरा, वो स्वेलो से कहता है कि नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें जरूर ही इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। जो स्वेलो होता है वो प्रिंस से कहता है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए आपके पास ही रहूँगा, और वो प्रिंस के पैरों पर जाके सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange land. अगले दिन क्या होता है, वो सारा दिन प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता है और जो भी उनके देश में हो रहा होता है, जो भी अजीब बातें होती हैं, वो उसको प्रिंस को बताता है। Dear little swallow, said the prince. प्रिंस उसे कह रहा है, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वूमेन। प्रिंस वेलो से कह रहा है कि तुम मुझे बहुत ही अद्भुत बातें बता रहे हो, पर सबसे अद्भुत क्या है, मैन और वूमेन की जो सफरिंग्स है सबसे वो मार्वलस है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कह रहे हैं उनका जो गरीबों का जो दुख है, जो उनके कष्ट हैं, उनसे बड़ा कोई भी मिस्ट्री नहीं है, उनसे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। जो प्रिंस है वो लिटल स्वेलो से कह रहा है कि तुम मेरे नगर के ऊपर से फ्लाई करो, उड़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या कुछ देख रहे हो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो swallow क्या हुआ करता है, विशाल जो सिटी होती है ग्रेट सिटी के ऊपर से उड़ रहा होता है और वो देखता है कि जो रिच पीपल्स हैं वो अपने ब्यूटीफुल हाउसेज में खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि जो बैगर्स हैं वो बैठे हैं गेट्स पर। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स। फिर वो डार्क जो सड़कें होती हैं अंधेरी सड़कों में उड़ रहा होता है। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग, और जो भूख से मर रहे बच्चों के फेसेस देख रहे हैं जो सफ़ेद पड़ चुके हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो वो बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं वो ब्लैक स्ट्रीट्स को देख रहे हैं एक उदास चेहरे से। अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज टू लिटल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। आर्कवे ब्रिज क्या होता है, जैसे आप पिक्चर वन में देख सकते हो ये एक आर्क शेप में बना है, इसीलिए इसको आर्कवे ब्रिज कहते हैं। ये जो आर्कवे ब्रिज के अंडर दो छोटे बच्चे थे, जो लड़के थे वो बैठे हुए थे, जो अपने एक बाहों में बाहें डाल के बैठे थे ताकि वो अपने आप को वार्म कर सकें।
हाउ हंग्री वी आर दिस एड, वो कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाइट हेयर, शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाता आपको यहाँ नहीं लेटना है। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, तो वह बारिश में भटक रहते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तो स्वेलो प्रिंस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं गोल्ड के साथ कवर्ड हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, तो तुम मेरी ये जो गोल्ड है इसको पत्ती कर, एक एक पत्ती करके इसको उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और ये जो गोल्ड है ये पुअर पीपल्स में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ये जो लोग हैं इन्हें हमेशा ये लगता है कि ये जो गोल्ड है इन्हें हैप्पी करता है। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, एक एक पत्ती करके गोल्ड की स्वेलो ने उतारी, तब तक उतारी जब तक जो प्रिंस का स्टैचू है वो डल या ग्रे ना दिखे। लीव आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, जैसे जैसे वो एक एक लीफ को उतारता गया वैसे वैसे वो लीफ को पुअर पीपल्स में बांटता गया। एंड द चिल्ड्रन फेस ग्रो रोजियर, जिससे उनके फेसों में गुलाबी सी आ गई थी। एंड दे लाफ, वो हंसते रहे, वो स्ट्रीट में खेले। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो खुशी से चिल्लाए कि अब हमारे पास खाने को खाना है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फिर क्या बर्फ पड़ने लगती है, बर्फ के बाद ठंड बढ़ने लगती है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, स्ट्रीट ऐसे लगती है जैसे कि चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटल बॉय वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, सभी लोग चमड़े के बने हुए कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं और जो लिटल बॉय होता है उसने लाल कलर की टोपी पहनी होती है और वो आइस पर स्केटिंग कर रहा होता है। द पुअर लिटल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव्ड हिम टू वेल, जो स्वेलो होता है उसकी जो ठंडा होता जा रहा है उसे, मतलब उसकी जो ठंड उसकी बढ़ती जा रही है, बट वो प्रिंस को नहीं छोड़ता क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर स्टोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग, जो स्वेलो होता है वो रोटी या केक के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो उठाता है, बेकर के जो आउटसाइड जो डोर है बेकर के दरवाजे के बाहर से वो उठाता है जब बेकर उसकी तरफ नहीं देख रहा होता, और अपने आप को, अपने विंग्स को फड़फड़ाकर अपने आप को वार्म करने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, क्या होता है लास्ट में उसे पता लग जाता है कि जो उसकी मृत्यु उसके नज़दीक है और अब उसके पास इतनी शक्ति है कि वो प्रिंस के शोल्डर तक एक बार चला जा सकता है। गुड बाय डियर प्रिंस, प्रिंस से वो कहता है गुड बाय, ही मरमट, वो बड़बड़ाता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं तुम्हारे हाथ में किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस लिटल स्वेलो से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, तुम यहाँ बहुत लंबा समय रुके हो मेरे पास पर तुम्हें मेरे लिप्स पर किस करनी होगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? अब जो स्वेलो है वो प्रिंस से कह रहा है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, जो डेथ है वो स्लीप का ब्रदर है, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड हिज फीट, और जैसे ही वो प्रिंस को लिप्स पर किस करता है वैसे वो मर जाता है और जो प्रिंस का पैरों पे आकर गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे ही वो मरता है गिरता है स्वेलो तो स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी दरार की आवाज़ आती है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट चुका हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हेड हैड स्नैप्ड राइट इन टू, बात तो ये होती है कि जो स्टैचू का हार्ट होता है जो लेड का बना होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। इट सर्टनली वाज ग्रेटफुली हार्ड फ्रोस्ट, निश्चित ही रूप से कोई भयानक सख्त ठंड होगी।
अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगले ही दिन जो मेयर था वो चौराहे की तरफ से गुजर रहा होता अपने टाउन काउंसलर के साथ। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो कॉलम को पास करता है, ही लुक्ड अप एट द स्टैच्यू, वो स्टैच्यू की तरफ ऊपर देखता है। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सैड, वो कहता है हे भगवान कितना गंदा कितना भद्दा ये हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू है। How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. जो town councillors थे वो भी चिल्लाए कि how shabby, कितना भद्दा है। वास्तव में जो town councillor होते हैं वो mayor के साथ हमेशा ही हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो mayor कोई भी बात कहे वो उससे सहमत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो ऊपर चढ़ते हैं देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्पॉट्स, हिज आइज आर गोन एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। तो मेयर कहता है कि स्वॉर्ड में रूबी भी नहीं है, उसकी आइज में सफायर्स भी नहीं है, और उसके जो स्टैचू में गोल्ड भी नहीं है। इन फैक्ट ही इज़ लिटल बेटर देन अ बैगर, तो वह क्या कहता है, असल में ये तो बैगर से थोड़ा सा बेटर है। लिटल बेटर देन द बैगर, सेड द टाउन काउंसलर, फिर टाउन काउंसलर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये वाक्य में बैगर से थोड़ा सा बेहतर है। एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर, मेयर अपनी बात जारी रखता और बताता है कि एक्चुअली इसके फीट में एक मरा हुआ पक्षी पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी डाई हेयर, मेयर कहता है कि हमें एक प्रोक्लेमेशन यानी कि हमें एक घोषणा करनी चाहिए कि यहाँ पर किसी भी पक्षी को मरने की अलाउ नहीं है, इस यहाँ पर कोई भी पक्षी मर नहीं सकता है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क होता है वो जो मेयर का सुझाव है वो नोट कर लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो जो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू होता है उसको गिरा देते हैं। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor of the university. क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि जो आर्ट प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का वो कहता है ना तो ये ज़्यादा सुंदर रहा है अब, ना ये अब यूजफुल रहा है, इसीलिए उसको गिरा देते हैं। Then they melted the statue in a furnace. उसके बाद जो स्टैचू होता है उसको भट्टी में मेल्ट कर दिया जाता है। What a strange thing, said the overseer of the workmen. जो overseer में workmen काम कर रहे होते हैं वो कहते कहते कितनी अजीब बात है। At the foundry, this broken lead heart will not melt in the furnace. जो ये जो टूटा हुआ दिल है लेड का ये मेल्ट नहीं हो रहा जबकि जो स्टैचू वो सारा मेल्ट हो गया। फाउंड्री क्या होता है, एक ऐसा कारखाना, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे जो भी मेटल्स होते हैं वहाँ पे उनको अलग अलग शेप दी जाती है, उसे हम कहते हैं फाउंड्री। वी मस्ट थ्रो इट अवे, अब जो वर्कमैन होते हैं वो कहते हैं कि हमें इसको, अब जो लेड का हर्ट है इसको दूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, तो वह क्या करते हैं, वो एक धूल का ढेर है वहाँ पे उसको लेड के हार्ट को फेंक देते हैं, जैसे कि आप पिक्चर फर्स्ट पे देख सकते हो। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, वो जो जहाँ पे फेंकते हैं वहीं पे एक जो डेड जो स्वेलो होता है वहीं पे पड़ा होता है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी, सेड गो टू वन ऑफ हिज एंजल, जो भगवान जी होते हैं जो गॉड होते हैं वो एंजल को कहते हैं कि मुझे तुम कोई दो प्रीशियस थिंग्स ला के दो सिटी में से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेड हर्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल होता है वो एक तो क्या ला के देती है, लेड हर्ट और जो डेड बर्ड, दोनों प्रीशियस थिंग वो गॉड जी को ला के देती है। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, गॉड जी कहते हैं कि तुमने बहुत ठीक चुना है। For in my garden of paradise, this little bird shall sing for even more. ये जो swallow है, little bird है, ये हमारे paradise में यानी कि जो मेरा स्वर्ग का बगीचा है उसमें हमेशा के लिए गाएगा। And in my city of gold, the happy prince shall praise me. और जो मेरी gold की city है वहाँ पर जो happy prince है वो वहाँ पर मेरे गुणगान करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है ख़त्म होती है। तो हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो स्टैच्यू है उसके पास इतना गोल्ड है, इतना प्रीशियस स्टोन है, उससे वो अलग क्यों होना चाह रहा है। तो स्टोरी पढ़ के हमें पता लगा क्यों अलग होना चाह रहा था, क्योंकि वह लोगों की मदद करना चाह रहा था, क्योंकि वो
चाह रहा था कि कोई भी उसकी जो सिटी में सोरो है, कोई भी जो सफरिंग्स है, लोग सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र ना हो, जितना हो सके वो लोगों की मदद करे। जैसे कि हमने देखा पहले उसने स्पोर्ट हिल्ट दी, सफायर्स दी, अपना सारा गोल्ड दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था लोगों की हालात को देखकर, इसीलिए वो अपना ये जो स्टोन वगैरह थे या जो उसके पास गोल्ड था उसका ये हिस्सा नहीं होना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो रही है। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।